प्रदेश के चंबल में अब दोपहिया वाहन सवार महिला स्नैचर ने भी दस्तक दे दी है, जहां शहर की एक इवेंट मैनेजर महिला से दोपहिया वाहन पर सवार एक महिला ने ही झपट्टा मारकर चेन खींच ली। देखिए ये खास रिपोर्ट। चंबल से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें गणेश कॉलोनी निवासी युवती जब घर जा रही थी, तभी पीछे से एक अन्य दोपहिया वाहन पर सवार होकर आए युवक युवती ने उसे पहले ओवरटेक किया और उसने पास आते ही महिला के गले पर झपट्टा मारकर चेन खींच ली और कट्टे के दम पर महिलाओं को धमकाते हुए वहाँ से भाग निकले। कल फरियादी ने यहाँ थाने आकर रिपोर्ट कराई थी कि जब वो अपने इवेंट्स करके लौट रही थी, लगभग 11:30 बजे के बीच में वो जो आकाशवाणी तराई से और एग्रीकल्चर कॉलेज के पास से सामने से निकली और मेला ग्राउंड के पीछे अंदर की तरफ एक दो लोग आए, जिसमें एक स्कूटी पर एक व्यक्ति चला रहा था और एक पीछे लड़की बैठी हुई थी महिला, जो कि मुंह बांधे हुए थी, और उनके द्वारा मोबाइल लूटने का प्रयास किया और मोबाइल लूटने में असफल रहे तो फिर लड़की ने चैन खींच ली और दूसरी तरफ उस लड़के ने जो लड़का स्कूटी चला रहा था उसके द्वारा कट्टा अड़ा लिया गया और कट्टा अड़ाने के बाद उसके बाईं आँख के ऊपर मारा, इससे उसको चोट आई। तो और उस लड़की ने एक नंबर भी आइडेंटिफाइड किया था, उस नंबर को भी देखा तो आधा नंबर है वो, उसको पुलिस चूंकि अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो कुल मिलाकर ये लूट की घटना जो है वो उसमें चैन स्नैचिंग लूटी गई, लड़की के द्वारा लूटी गई है और जो लड़की था जो पुरुष बैठा हुआ था उसके द्वारा कट्टा अड़ाया था। तो फिलहाल इसमें संदर्भित धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर लिया थाना गोलाका मंदिर में। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि वो नंबर कौन सा था, वो भी स्कूटी पे थे और ये भी जो फरियादी है वो भी स्कूटी पे थी। युवती की शिकायत पर पुलिस ने अब लूट का मामला दर्ज कर लिया है और वारदात में शामिल महिला और युवक की तलाश की जा रही है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ ग्वालियर।